सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं जो मिट गए देश पर, आज हम उन तिरंगे को सलामी देते हुए ठीक मन के सामने शिक्षा के बच्चे तिरंगे को सलामी देते हुए सहूलियात सुनिश्चित करने के लिए सदैव तत्पर है। इसी दिशा में माननीय अध्यक्ष उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में भवन पर 5 मंजिले दुर्गा भवन के निर्माण कार्य को बहुत तेज गति दी जा रही है, जिसके निर्माण पूरे हो जाने से रोजाना 2000 से अधिक यात्री को रहने की सुविधा भवन में उपलब्ध होगी। इसी के साथ साथ भवन पर भीड़ नियंत्रण को देखते हुए स्काईवॉक का काम भी शुरू किया गया है, जिससे यात्रियों को दर्शन अनुभव और भी सुखद होगा और कम समय में यात्री कटरा वापस लौट पाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखते हुए RFID टेक्नोलॉजी से युक्त यात्रा एक्सेस कार्ड्स की प्रक्रिया की भी एक शुरुआत की जा रही है, जिससे रियल टाइम में यात्रा की ट्रैकिंग और यात्रियों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा, जिससे यात्रा नियंत्रण और भी बेहतर होगा। इसके अलावा CCTV नेटवर्क, भवन पर अधिक लॉकर और स्नान घरों की व्यवस्था, नया PA सिस्टम, एनफोर्समेंट और सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती को तर भी खास बल दिया जा रहा है। यात्रियों के लिए स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया माता के चरणों का पंचमेवा प्रसाद केवल 25 रुपये में प्रसाद केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सुविधा ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे देश विदेश में बैठे श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध है। सरकार की ओर से कटरा और आसपास के क्षेत्रों की तरक्की पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है और कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जल जीवन मिशन के तहत आसपास के 10 गांवों में हर घर को नल से जल से जोड़ने की प्रक्रिया, हमारे 17 गांवों के अंदर जमाबंदी के रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन उपलब्ध कराना और राजस्व विभाग की ऐसी 17 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। NHAI की तरफ से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर भी बहुत तेज रफ्तारी से काम चल रहा है, जिससे इलाके के पर्यटन को और बढ़ोतरी मिलेगी। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कटरा के आर्थिक विकास को मद्देनजर रखते हुए एक स्पिरिचुअल थीम पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि धार्मिक पर्यटन को और किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके और इस थीम पार्क से स्थानीय नौजवानों के रोजगार को भी नए अवसर मिलेंगे।